Yeah, so hey everyone, kihal chal, saara Harris decide. So welcome to doing Port tech. So finally today I'm gonna start off the Dart from the playlist Flutter code. <laughs> Fine. So without wasting much of time, let's get started. So in this video, I'm gonna cover up the Dart, uh, sorry, data types, variables, operators, uh, loops, and decision making statements in the Flutter, uh, sorry, in the Dart. Then so, let's get started. Yeah. So uh, open the browser. Actually, app is a Dart. Ki jo programming language, Dart hai. हमने पहले तो डाट वगैरह सब कुछ फ्लटर वगैरह सब कुछ इंस्टॉल कर लिया था तो अब करना क्या है तो बेसिकली अब मैं आपको वी एस कोड पर अभी नहीं बताऊँगा कि वी एस कोड पर हम कैसे डाट को यूज़ कर सकते हैं फर्स्टली आई शो विउट दैट डारट पैड नाम की एक चीज़ है जो Google कि गूगल ने प्रोवाइड किया कि डाट का जो ऑनलाइन कंपाइलर है हम उस पर अभी वर्क करेंगे जब फ्लटर हम सीखेंगे तो तब हम उस डाट पे हम वी एस कोड पर स्विच कर जाएंगे बट फॉर द नाउ केस आई गोना लाइक यू कैन वर्क ऑन द डाट पैड सो ओपन गूगल एंड आप पर लिखो डॉट पैड सर्च कर दो स्टार्टिंग में जो आएगा डॉट पैट डॉट डेव इस ये इसकी वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर क्लिक कर देना आपको तो याज अ डॉट पैड इसको कोड कर रिमूव कर देंगे सो हेयर इज इट इटो आई डी ऑनलाइन कंपाइलर ऑफ द डाट सो ये गूगल ने क्रिएट की है वेबसाइट तो आज हम देखेंगे कि डाट में हम कोडिंग कैसे करते हैं देखो अगर आपको सी प्लासेस आती है जावा आती है ठीक है तो जावा स्क्रिप्ट कोई भी लैंग्वेज आती है ना एक बार तो डिफिकल्टी नहीं आएगी बिकॉज आलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है बट काफ़ी पावरफुल लैंग्वेज है ये मैं बता रहा हूँ ये काफ़ी पावरफुल लैंग्वेज है तो देखेंगे कि कैसे चलेगा ये स्टार्टिंग स्टार्ट कैसे करते हैं जैसे कि आपको पता होगा को कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे क्या कहते हैं इसको सी प्लासेस है ठीक है जावा है तो वो अपना प्रोग्राम कैसे रन करती है कैसे रन करती है मेन मेथड से ठीक है डार्ट so भी अपना जो अपना प्रोग्राम है वो मेन मेथड से ही रन करती है आप डायरेक्टली यहाँ को स्टेटमेंट लिख सकते अब ये मेन मेथड हम देख लेगी मेन मेथड से एग्जीक्यूट होगा तो वन मोर थिंग इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेट इज हम जो भी वर्क करेंगे वो क्लासेस एंड फंक्शन ऑब्जेक्ट्स के साथ ही होगा ओके सो लेट्स वे स्टार्ट फर्स्टली हाउ प्ले सिंपल प्रोग्राम प्रिंट हैल ओवर करके देखते हैं सो so कैसे होगा राइट वर्ड मेन एंड सिंपली प्रिंट हेलोवल्ड यार लगा दो फाइन रन किया हो गया बस हाँ जी आपने अपना पहला प्रोग्राम तैयार कर लिया है वर्ल्ड आपने लिख लिया है आपको डाट का बेसिक पता चल गया है कैसे प्रिंट स्टेटमेंट कैसे वर्क करती है वो देखिए सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट जैसे पाइथन में सिंपल प्रिंट होता है वैसे लिखो प्रिंट स्ट चल जाएंगे ओके सो प्रिंट की जो मॉडिफिकेशन है हम आगे देखेंगे कैसे करता है अभी मैं प्रिंट फिर स्टेड में कुछ ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करूँगा सबसे पहले उसके पहले हम देखेंगे कि इसमें डार्ट में वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं तो अब मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में आऊँगा ठीक है बिकॉज ऐसे सिंपली सिंपली एक्सप्लेन कर जाऊँगा साथ साथ सारे सभी कंसेप्ट को बताना है क्योंकि तो हमने इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना सो ओके सो क्लास क्रिएट करते हैं क्या क्रिएट करेंगे इम्पोर्टेक नहीं चलो ए कर लेते हैं सिंपली है ना इतना तैयारी करना है सो क्लास एट डी सी फाइन तो क्लास मैंने क्रिएट कर लिया है ये मेरा मेन मेथड है आप इसको क्या करें हाँ क्लास में मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ दैट इज डिस्प्ले ये सम करते हैं सम सिंपली सम ठीक है ये फंक्शन क्रिएट किया जो कि मुझे इंटीजर रिटर्न करेगा उसमें मैंने वेरिएबल्स पास करनी है लाइक like दो इंटीजर इंट ए एंड इंट बी उसके बाद सिंपली मुझे रिटर्न कर देगा ए प्लस बी सम रिटर्न कर देगा उस नंबर का ओके okay? तो अब कैसे करें सिंपली अब मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट मेन मेथड में बनाना पड़ेगा तो वो मेन मेथड सम फंक्शन को कॉल कर रहा होगा कैसे करेंगे सो so, ए बी सी नाम का फंक्शन है वो मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया ओ तो एबीसी बी सी का मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया अब आप सोचो कि यार जावा में न्यू कीवर्ड लिखता था डॉट में ऐसा कोई भी नहीं है कि आपको न्यू कीवर्ड लिखना है लिख भी सकते हो ये देखो चल जाएगा बट आप न्यू कीवर्ड के बिना भी इसको चला सकते हो इजीली कोई भी ऐसा च नहीं होगा देखो वार्निंग आ गई ना ट्राई रिमूविंग दी न्यू कीवर्ड वर्ड मतलब चल जाएगा बट टार्ट थ्री में इन्होंने ये जो कंडीशन थी कि न्यू की लिखना है वो रिमूव कर दिया है अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है न्यू की लिखने की लिख भी सकते हो ठीक है तो ओ से मुझे क्या कॉल करना है सम फंक्शन कॉल करना है उसमें मैंने जैसे टू पास किया थ्री पास किया मुझे प्रिंट होना चाहिए फाइव प्रिंट होना चाहिए अब इसका रिजल्ट लेट से मैं यहाँ पर स्टोर करा लेता हूँ रिजल्ट इक्वल टू एंड सिंपली प्रिंटिंग द रिजल्ट ओके सो क्या किया मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया ऑब्जेक्ट में से फंक्शन को कॉल किया एंड उसका रिजल्ट प्रिंट कर लिया लेट्स सी ओ ग्रेट इट इज प्रिंटिंग फाइव एक मुझे यहाँ पर ना सम के आगे एक छोटी सी लाइन लगा है अब फंक्शन करते हैं रन ओ माई गॉड यार एरर आ गई क्या एरर है मैंने क्या किया इतनी छोटी सी लगाई उसके नीचे बॉटम जो लाइन लगाई है एक उसने क्या किया इसको पहले फंक्शन था पब्लिक वो छोटी सी लाइन लगाने से जो फंक्शन हो गया प्राइवेट तो जैसे कि जावा में पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड होता है तो डार्ट कैसे करती है ऐसे एक्सप्लेसिटी uh, लिखना नहीं पड़ता कि प्रोटेक्टेड करना है इसको प्राइवेट करना है ऐसे प्रोटेक्टेड इसमें अवेलेबल नहीं है पब्लिक और प्राइवेट अवेलेबल है बाई ये पब्लिक होता है सो so प्राइवेट में जैसे ये छोटी सी लाइन लगाई है मैंने आगे इसकी तो आपको ये यहाँ पर ऐसे लगा देना है जैसे सम ये फंक्शन है ये पब्लिक फंक्शन है इसको प्राइवेट करना है तो यहाँ पर इसके मैं नीचे ये लगा दूंगा ठीक है तो ये मेरा फंक्शन प्राइवेट हो गया अब मैं ऑब्जेक्ट इसको एक्सेस नहीं कर सकता सो सिमिलर केस है क्या गया हाँ सो सिमिलर केस फॉर वेरिएबल्स एंड टाइप्स सो नाउ वी गोना सी बट आटर डिफरेंट टाइप्स सो वेरिएबल्स इन फ्लटर लेट्स रिमूव दिस लेट्स रिमूव दिस टू ओके नहीं रिमूव नहीं करते इससे एक्सप्लेन कर देते हैं एक होती है इंटीजर लेट्स से नहीं इसको रिमूव कर ही देते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सिम जितना सिंपल रखेंगे ना उतनी इजीली समझ हो जाएगा आपको बेसिक मैंने बता दिया है ठीक है अब जितना सिंपल रखेंगे इस वीडियो को उतना जल्दी सीधी समझ आएगा आपको सो so फर्स्टली एक इंटीजियर अवेलेबल होता है जैसे डाटा टाइप होती है तो उसको लेट से कि मैं नम रख देता हूँ उसका नंबर तो नम टेन तो इंटीजर नम फाइन ठीक है इंटीजर है अब जैसे मैं डेसिमल वैल्यू को मुझे यहाँ पर राइट करना है तो क्या होगा तो यहाँ पर डेसिमल वैल्यू को राइट करने के लिए यहाँ पर होती है डाटा टाइप डबल सो नाम लाइक डे सी मतलब इसका नेम डेसिबल नाम डेसिम्बल वेरी डेमल डेमल ठीक है फाइन कैमरे को यूज़ कर लेते हैं डेसीबल अवेलेबल इसमें मैं कभी थ्री पॉइंट सिक्स फाइव लेके इतना स्टोर करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं ये डबल में आएगा अगर मैं नम इंटीरियर में स्टोर करने की ट्राई करूँ तो यहाँ पर एरर आ जाएगा कि नहीं रेड लाइन आ गई ना यहाँ पर लिखा आ गई ना वैल्यू डबल कार्ड भी सैन्य अवेलेबल टाइप इंट ठीक है तो इंटीरियर में नहीं हो सकता डबल में उसकी डबल अवेलेबल है डबल डरा टाइप का सॉरी फाइन तो एक होती है बुलियन बुलियन जैसे कि जावा में होती है क्या कह सकते हैं uh, mm. क्या कह इसका क्या नाम रखें इस फाइन इट फॉल्स फॉल्स ट्रू हो सकता है एक फॉल्स हो गया एक ट्रू हो गया ठीक है ये इसका बोलियन है बोलियन के अच्छा सॉरी बूल होता है बूल होता है बूल नहीं होता है बूल होता है इसमें शॉर्ट फॉर्म ओके तो इंटीजर हो गया डबल हो गया बूल हो गया एक है वै वेरिएबल मतलब चाहे आप इसको इंटीजर, इंटीजर साइन कर दो सॉरी एक चीज़ है भाई। स्ट्रिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये है तो सिस्टम का कह लो कि मोस्ट ऑफ दसेज में स्ट्रिंग हम काफ़ी यूज़ करते हैं सिस्टम में सो दैट्स एस स्ट्रिंग एस

अगर इसको मैंने डबल असाइन कर दिया कोई वैल्यू वैल्यूसाइन कर दी वो भी चलेगी अगर इसको मैंने स्ट्रिंग असाइन कर दिया वो भी चलेगा ओके सो फाइन वेरिएबल का आपको पता चल गया उसके बाद एक डेटा टाइप होती है डायनामिक इसका यूज़ लाइक मैप्स और लिस्ट जो हम यूज़ करेंगे सेट्स लिस्ट ऐसा कुछ यूज़ करेंगे तो उसमें ज़्यादा होगा इसमें तो चलो इतना सिंपल जो वेरिएबल्स होते हैं उसमें इतना यूज़ नहीं होता बट जो हम लिस्ट और मैप यूज़ करेंगे उसमें डायनामिक वेरिएबल का यूज़ होगा तो बेटर है कि हम तब बात करें डायनामिक वेरिएबल की तो अभी तो नहीं से तो है सच होगा तो दीज आर सम ऑफ द वेरिएबल्स लाइक लेफ्ट ओकेट दैट स्पोर्ट्स एंड ठीक है तो वेरिएबल्स का तो हो गया अब ड्रा टाइप्स भी देख लिया हमने डायनामिक हो गई ये हो गई उसके बाद हम देखना था क्या बोल रहे ऑपरेटर्स तो ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं सो ऑपरेटर्स को बताने के लिए मुझे यहाँ पर जैसे सिंपल एक अगर कंडीशन चेक करनी हो लेट्स इफ लेट से क्या करें यहाँ पर हाँ स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू सैरिश वगैरह सो लेट से मुझे चेक करना है कि एस की वैल्यू अगर सैरिश के बराबर है तो मुझे रिटर्न ट्रू कर दे प्रिंट रिटर्न ट्रू कर दे प्रिंट यस yes, अगर नहीं है तो प्रिंट क्या कर दे नो no, तो नहीं प्रिंट हो जाएगा चेक करते हैं कि इफ कंडीशन वर्क करती है कि नहीं वो वर्क करेगी इसमें क्या ही है सिंपल सी स्टेटमेंट yes, है चेक करेगा यस वो वैल्यू सारी से इक्वल है एस की इक्वल है वेरिएबल के तो ऐसा कर सकते हो कि डबल इसमें डबल इक्वल्स टू होता है इससे आप इसकी इक्वालिटी चेक करते हो एक नॉट इक्वल के एक होता है इससे यहाँ पर अगर एस की वैल्यू नहीं इक्वल है सरिश के तो प्रिंट यस होगा तो अब प्रिंट नो होना चाहिए क्योंकि एस इज डबल इक्वल्स टू सरिश मिले उसकी वैल्यू इसके इक्वल है तो हम इसको रन करेंगे नो no. ओके okay. तो ठीक है ऐसा हो गया फाइव टू सर फाइव फोर फाइव ठीक है उसके तो बाद यहाँ पर एक होता है लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू वो हम इंटीजर्स पे यूज़ करते हैं तो अब आप थोड़ा सा लेस देन इक्वल्स टू टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू को भी वक्त देखते हैं कैसे होगा तो लेस इंटीजर ए इक्वल्स टू टेन इंटीजर बी इक्वल्स टू फाइव ओके सो इफ ए इज लेस देन बी प्रिंट बी हाँ अब देखते हैं कि प्रिंट स्टेटमेंट को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं ना कर वो हम आगे देखेंगे इसको तो यहाँ पर क्या करना है जैसे मैंने डबल कोर्स डाल दिया तो यहाँ पर हाँ पहले लिखेंगे b is greater बताता हूँ रुको प्रिंट ए इज greater ठीक है अब यहाँ पर मुझे b नहीं चाहिए यहाँ मुझे b की वैल्यू चाहिए तो क्या करें इसमें करली ब्रेसलिस लगा के स्टार्टिंग में इसके डॉलर साइन लगा दो यहाँ पर भी करली ब्रेसलिस लगा के डॉलर साइन लगा दो अब यहाँ पर a नहीं प्रिंट होगा b a और b की वैल्यू प्रिंट होगी लेट्स ट्राई इट आउट यहाँ पर होना प्रिंट होना चाहिए बी इज ग्रेटर सॉरी ए इज ग्रेटर याद टेन इज ग्रेटर दैट इज़ ए इज ग्रेटर तो ये हमारी ये स्टेटमेंट चल गई दैट इज़ ए इज ग्रेटर तो हम ऐसे वर्क करेंगे इसमें ओके तो फाइन ये तो स्मॉलर दैन इक्व तो, हाँ एक होता है स्मॉलर दैन तो अगर एक होता है वेरिएबल स्मॉलर दैन इक्वल्स टू एक होता है ए इज ए ग्रेटर दैन का वेरिएबल क्या कहते हैं ऑपरेटर होता है तो इससे क्या होगा ये ऊपर इंस्ट्रीमेंट चल जाएगी लेट्स सी लेट्स सी या अब ऊपर वाली स्टेटमेंट गई फाइन दिस वन क्योंकि ए अब ग्रेटर है तो ये वाली चल गई ठीक है ग्रेटर टेन ग्रेटर अब एक क्या स्टेटमेंट होगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड सिमिलरली लेस देन इक्वल्स टू जैसे कि ए की वैल्यू अगर कम है अगर बी के इक्वल भी हो जाती है तो हम ये चीज मतलब ये स्टेटमेंट प्रिंट हो ठीक है तो ऐसे हम ऐसे कर सकते हैं या सी के वैल्यू परी प्रेट कराते जाते सो ए इज ग्रेटर ग्रेटर और इक्वल टू बी फाइव इसमें हम लिख देंगे बी इज ग्रेटर और सॉरी ए इज ग्रेट ए इज स्मॉलर आएगा स्मॉलर और इक्वल टू बी बी इज स्मॉलर और इक्वल टू बी सॉरी ए इसमें ए समॉलर है इसमें बी समाधर है एट सी कौन सी एस्ट्रीमेंट चलती है चलेगी तो सेकंड वाली बीस मॉलर क्योंकि बीस मोस्ट स्मोलर है अगर हम यहाँ पर बी की वैल्यू पर टेन दे दें ठीक है और ए की वैल्यू भी टेन दे दें कौन सा चलेगा ऊपर वाला चलेगा ए स्मॉलर और इक्वल्स टू बी क्योंकि ए स्मॉलर है और बी के इक्वल है अब उससे तो यार बी नीचे भी तो चल सकता था बट वो एल स्टेटमेंट नहीं आ गया उसने इफ कंडीशन चेक कर ली एल स्टेटमेंट नहीं जाएगा हाँ नीचे वाला बी ट्रू है कि बी इज स्मॉलर है और इक्वल टू ए हाँ ठीक है वो भी इक्वल है बट क्या है इसमें एल्स स्टेटमेंट चलेंगी तो अगर हमें मल्टीपल कंडीशन लगानी हो तो कैसे करेंगे तो हम यहाँ पर इफ़ एल्स तो हो गई तो अब अगर एक और इफ कंडीशन लगानी हो तो आप लिखेंगे इफ़ सॉरी एल्स इफ़ ठीक है एक और स्टेटमेंट लगा दी एल्स इसमें हमने लेटर एल्स लगा दी तो कैसे होगा तो हम जनरल जो शेड यूज़ करते हैं ए इज इफ ए इज लेस देन बीट ए इज स्मॉलर दैन बी एंड एल लेट्स से एल बी इज ग्रेटर देन ए एंड वी जस्ट सिंपल नीड्स टू प्रिंट दिस थिंग दैट इज बी इज ये क्या हो गया

तो वो ऊपर चेक हो जाए अगर दोनों इक्वल हैं तो वो एल्स कंडीशन में चेक हो जाए तो सी अब हमारा एल्स कंडीशन चलनी चाहिए क्योंकि ना वो स्मॉलर है ना वो ग्रेटर है वो इक्वल है तो हमारी एल्स कंडीशन या एल्स कंडीशन चल गई अगर लेट्स से कि मैं बी को स्मॉलर कर देता हूँ तो लेट्स से नाइन कर देता हूँ एट कर देता हूँ तो कौन सी स्टेटमेंट चलेगी हमारी स्ट्रीटमेंट चलेगी सेकेंड वाली एल्स इफ़ तो एल्स के बाद जो ये स्टेटमेंट है वो चलेगी तो उसने बता दिया ये मी स्मर था फाइन हमारे एल्स जो इफ कंडीशन है वो हमारी चल गई हमने वो देख लिया कैश चलती है अब हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट स्विच स्टेटमेंट कैसे चलती है सो so, फ्लटर में जैसे हमने क्या स्विच ओके okay? तो हम इसके ब्रैकेट में डालेंगे क्या कि लट से सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं कि uh, जैसे प्रिंट हो नंबर प्रिंट हो उसका uh, क्या कहते हैं नेम प्रिंट हो जाए नंबर का इन हिंदी हिंदी वर्ड फोम में प्रिंट हो जाए लेट्स से इंटीजर इंटीजर क्या कहते हैं नाम इक्व टू वन स्विच इंटीजर नंग से इंटीजर ए रख लेता तो इसको कुछ भी सो केस यहाँ पर हम लिखेंगे केस केस किसका देखना ए का ठीक है केस ए नहीं के एस के ए नहीं केस वन अगर वन है ठीक है तो क्या करो प्रिंट वन ब्रेक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी अदरवाइज़ वो आगे आगे चली जाएगा प्रिंट टू ब्रेक केस थ्री मैं ज़्यादा नहीं इसमें लगाऊंगा ठीक है क्योंकि इतना टाइम नहीं है डिफॉल्ट डिफॉल्ट क्या होता है कि जब कुछ नहीं चला लाइक एंट्री वैलिड नंबर वैसे एंड ब्रेक ब्रेक स्टेटमेंट हर केस के बाद आपको ब्रेक स्टेटमेंट लगानी है क्योंकि अगर आप नहीं लगाओगे तो वो आगे आगे चेक करता जाएगा तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी फाइन वो हम एक्चुअली फंक्शन ही कॉल कर रहे थे डायरेक्टली ऐसे कर रहे थे तो कुछ प्रॉब्लम आ रही मैंने एक ऊपर वेरिएबल डिफ़ाइन कर दिया उसको उसका मैंने केस चेक करना है ठीक है कि क्या केस है तो जैसे नंबर में नाम मैंने वन डाला है तो वन प्रिंट ये होना चाहिए लेट्स सी टेस्ट लेट्स टेस्ट करके देखते हैं अगर वन किया तो वहाँ पर वन प्रिंट हो गया उसका केस वो ट्री हो गया आगे नहीं चला ठीक है जैसे मैंने वन किया तो वन चल गया टू किया तो टू प्रिंट हो जाएगा जैसे मैंने थ्री किया थ्री प्रिंट हो जाएगा बट मैं थ्री नहीं करूँगा मैं फोर करूंगा ओके केस फोर के लिए केस कोई डिफाइन नहीं है तो यहाँ पर आएगा एंटर ए वैलिड नंबर यू फोर इज़ ए वैलिड नंबर बट यहाँ पर मैंने उसका केस डिफाइन नहीं किया तो डैट्स इट इज सेम एंटर ए वैलिड नंबर तो ये हो गया हमारा स्विच केस आप इसको डिफरेंट डिफरेंट मैथड से यूज़ कर सकते हैं जैसे कि वीक के नंबर डिफाइन कर दें तो आप वैसे कर सकते हो बट अब करते हैं हम देखते हैं कि लूप्स इन दी हम हाँ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी देख ली इफ कंडीशन देख ली लेटर इफ कंडीशन देख ली हमने स्विच के आ, स्विच स्टेटमेंट देख ली अब हम आते हैं लूप्स पे इसमें तीन तरह के लूप्स होते हैं फोर लूप फोर इंच लूप एंड डू डू लूप डू बाई लूप सो चार ओमी ठीक <laughs> so, है सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं सिंपल लूप जैसे रेंज लूप वन से लेकर इतनी लाख तक एस जी लूप होती है हम उसको देखते हैं सिंपली यहाँ पर मैं लिस्ट क्रिएट करता हूँ एक इंटीजर की लिस्ट क्रिएट करता हूँ तो हम लिस्ट को आगे देखेंगे कैसे इसको प्रॉपरली इसके जो फंक्शन हैं क्या होते हैं तो अभी भी जैसे आप देख लो कैसे होता है सो so, लिस्ट इसका नेम ठीक ए रख लेते हैं तो लिस्ट नंबर वन टू थ्री लिस्ट डिफाइन होगी हम इसको लिस्ट को प्रिंट करना है तो यहाँ पर सिंपल रख देते हैं नहीं यार आप कंफ्यूज हो जाएगी लिस्ट को अभी नहीं करना लिस्ट को हम बाद में देखेंगे उसके फंक्शंस एस में यूज़ होंगे तो फोर सिंपल रूप देखते हैं फोर इंटीजर टीचर आई इक्वल्स टू ज़ीरो आई इज लेस देन लेट्स से लेस देन फाइव ओके आई प्लस प्लस तो सिंपल ये सिंपल लूप है क्या करेगी प्रिंट करेगी हेलो वर्ल्ड फोर दाइव टाइम्स हेलो वर्ल्ड सो ये हेलो वर्ल्ड फाइव टाइम प्रिंट करेगी ज़ीरो वन टू थ्री फोर फोर फाइव फरी कंडीशन इंट्री ट्रू गई लोगों मैंने लेस टाइम दिखा इक्वल टू नहीं दिखा तो दैट्स वाई इट इज़ प्रिंटिंग मी हेलो बट फाइव टाइम्स अगर आप कंफ्यूज हो गए हो तो यहाँ पर मैं वन लिख देता हूँ वन से लेकर फाइव तक जॉप क्या करेगी फोर तक फोर फोर टाइम्स हालवर्ड प्रिंट करेगी ओके सो दैट्स फाइन सो ये हमारी सिंपल लूप हो गई ठीक है तो जो कैसे क्या कहते हैं इसको सिंपल आइट्रेट्री लूप है आप इसको लिस्ट प्रिंट करने के लिए यूज़ कर सकते हो तो अभी मैंने वो नहीं बताऊँगा जब लिस्ट की बारी आई मैप्स की देखेंगे तब तब देख लेंगे इसको ठीक है कैसे होगा तो ये हमारी होगी सिंपल फोर लूप उसके बाद हमारी आती है फोर ईच लूप नहीं वो नहीं उसके बाद हम देखेंगे बाई लूप वाइल वाई ओके लेट सी इंटीजर आई इक्वल्स टू जीरो फाइन वाइल आई इज लेस देन फाइव क्या करो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो हेलो वर्ल्ड तो इसको वन ले लेते हैं थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा आपके लिए कैलकुलेशन करनी फोर टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा वाइल आई इज़ लेस दैन फाइव प्रिंट हेलो वर्ल्ड हम आई को यहाँ पर इंक्रीमेंट कराएंगे फोर लूप में एक भी लाइव में होता था तो अब हमारा ऐसे ऐसे क्या कहते हैं ऐसे हुआ कैसे होगा आई को टू वन इंग्लिशलाइज हो गया उसने चेक किया कि हाँ वन इज मोदर देन फाइव उसमें प्रिंट कर दिया आई को इंक्रीमेंट कर दिया आई की वैल्यू को तो क्या होगा आई की वैल्यूचन इसलिए इंक्रीमेंट किया आई होगा टू टू इज़ लेस एन फाइव अगर फिर लूट चली तो ऐसे इंक्रीमेंट करते करते जैसे आई की वैल्यू फाइव हो गई तो फाइव इक्वल टू नहीं है फाइव लेस देन भी नहीं है तो लूप स्टॉप हो गई हैलो तो गोल्ड फोर टू टाइम्स प्रिंट हो गया तो ये हमारी लूप है तो अब हम देखते हैं डू वाई लूप कैसे वर्क करती है तो दिस थिंग इसको हम देखेंगे डू लूप डू लूप क्या करती है उसने स्टेटमेंट एक कर रन करनी ही करनी है ठीक है कब तक करनी है वाई आई इज डू वाई आई इज लेसन फाइव भाई थोड़ा सा नंबर इसको ना चेंज कर लेते हैं टेन कर लेते हैं ताकि आपको लगे कि हाँ कुछ हो रहा है ठीक है तो डू क्या करना है डू प्रिंट हैलो हेलो वर्ल्ड हेल, हेलो नहीं कुछ शोर कर लेते हैं हाय सब हाय लर्नर दिस इज पाइन सो ये नहीं आपको मैं फाइव भी दिखाता हूँ फिर आप कंपेयर कर लो कि हाँ क्या चेंज है उसमें तो जैसे आपने देखा कि मैंने सब कुछ सेम लिख सेम लिखा यहाँ पर आई वन रखिया वाई लुक का आई फाइव लिख दिया ठीक है आई बाईलूप का आई फाइव लिख दिया यहाँ पर आई प्रोसेस कर दिया यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट का चलो मैं अंदर का यू चेंज किया है तो जैसे कि देखा आपने ये डू बाई लूप है उसने पहले इसको प्रिंट किया फिर कंडीशन चेक की एंड फिर प्रिंट किया फिर कंडीशन चेक की तो ऐसे ऐसे ये चलता गया डू बाई लूप ऐसे होती है पहले प्रिंट करती है फिर कंडीशन चेक करती है फिर प्रिंट करती है फिर कंडीशन चेक करती है तो ऐसे हुआ तो यहाँ पर मैंने आई कंडीशलाइस कर दिया यहाँ को उसको इंक्रीमेंट कर दिया यहाँ पर उसकी कंडीशन चेक कर दी तो उसमें क्या होता है तो ये डाट पैड करना ये बहुत अच्छी चीज़ है आप किसी को चीज़ को समझ नहीं आ रही उसको ऐसे सेलेक्ट कर लो तो नीचे डॉक्यूमेंटेशन में लेट से दुश्मन जो डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पर कुछ, कुछ ना कुछ दिखा जाएगा लट्स से मैं इसको सेलेक्ट करके देख लेता हूँ कुछ दिखता ही नहीं yeah. प्रिंट ओवर लेते हैं हाँ देखो प्रिंट फंक्शन का बता दिया इसमें प्रिंट से रिस्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट टू द कंसोल ऐसे ही अगर मैं इंटीजर को सेलेक्ट करता हूँ तो इंटीजर की डेफिनेशन आ गई सो so, अगर आप किसी भी पॉइंट पे कंफ्यूज हो जाओ कि क्या ये चीज़ क्या है बेसिकली जो भी है कैसे है तो आप जस्ट उसको लिख लिखते लिखते इसको सेलेक्ट कर लो डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर मैंने तभी आपको एंट्री में डार्क पैड में दिखाया था ये थोड़ी सी ना ऐसी डॉक्यूमेंटेशन या लर्निंग टाइप ऑफ थिंग आपको वी एस कोड में नहीं मिलनी थी तो मैंने तभी कहा कि डार्ड पैड भी कर लो बिकॉज यहाँ पर एक चीज डॉक्यूमेंटेशन टाइप की चीज मिल आपको मिल जाती कंसोल वगैरह सब कुछ एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जब वो जैसे ये यहाँ पर डार्ड पैड भी लर्निंग के लिए अच्छी है तो लूप्स हो गई मल्टी डिसीजन मेकिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो गई तो ऑलमोस्ट आई हैव कवर्ड एवरी थिंग ओवर हेअर एंड या सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो होप यू लर्न द बेसिक्स ऑफ डार्ट हाउ यू कैन कोड इन द डार्ट एंड डू इट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड डू इट द बेल आइकन सो दैट वन एवर आई अपलोड द सेकेंड वीडियो ऑफ द डार्ट प्ले लिस्ट सो यू गेट नोटिफाइड ओवर इट्स एंड थैंक यू सो मच बाय बाय